सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस, इट्स एन एक्सवाल। आज आपके लिए एक और वीडियो लाया है और ये वीडियो अपनी जिप्सी के कस्टमाइजेशन पे रहने वाली है कि अपनी वर्कशॉप पे, मेरी वर्कशॉप पे जिप्सी की क्या क्या कस्टमाइजेशन होती है या हो सकती हैं, जो भी आप जो कराना चाहो वो आप करा सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको मेरे से ज्वाइन होना है, मतलब मेरे से कॉन्टेक्ट करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, आप वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वो भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप मेरे को पर्सनल मैसेज वगैरह भेज के अपनी जो भी क्वेरीज है वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी अब जिप्सी की कस्टमाइजेशन पे चलते हैं कि जो भी अगर आपको मेरी वर्कशॉप पे करानी है तो आप करा सकते हो। सबसे पहली चीज़ डैम्पिंग जिप्सी में, पुरानी थार में, इवन नई थार में भी, और बलेरो में मैंडेटरी है मेरे हिसाब से। मतलब अगर किसी को थोड़ा सा बढ़िया वाइब्स लेनी है, मतलब बाहर की नॉइज ना आए, इंजन नॉइज ना आए, रोड नॉइज ना आए, तो डैम्पिंग मस्ट कंपल्सरी है, करानी चाहिए। इवन मैं भी अगर अभी कुछ टाइम में शायद अपनी जिप्सी में करा लूँ, मेरे पास मटेरियल अभी एट द पॉइंट पे है नहीं, बट मैं आपको इन फ्यूचर में किसी ने प्रॉपर एक वीडियो ही बना दूंगा डैम्पिंग पे, तो उसमें आप मटेरियल भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी जो मेरा मटेरियल है वो मार्केट के मटेरियल से काफ़ी ज़्यादा अलग है, सबसे मेन चीज़ काफ़ी बिल्कुल टोटली अलग है। जो मार्केट में मटेरियल यूज होता होगा कहीं भी एक्स वाई जेड, सबके मटेरियल से अलग मिलेगा, और वो सिलिकॉन वाला मटेरियल नहीं होगा। रिलायबल है, चीपर है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, और इनकी तरह नहीं है कि जैसे इनके आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी कि वो जो उनका वो मटेरियल होता है डैम्पिंग का, वो सिलिकॉन वाला, वो मेल्ट होने लगता है गर्मियों में, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ फायर रेजिस्टेंस भी है, फायर रेजिस्ट भी करता है, तो ये सारे उसके एडवांटेज हैं। और बाकी उनको आप डोर्स में लगवा सकते हैं, नीचे फ्लोरिंग पे, जैसे जिप्सी में, तो मेन चीज़ मैं आपको जिप्सी में बता दूँ, डोर्स में लगेंगे। नीचे अगर आपका पूरा हार्ड टॉप वाला वो है तो पूरे पीछे तक फ्लोर पे लगेगा, अगर पूरा हार्ड टॉप है अंदर हार्ड टॉप में लगेगा, और मतलब जहाँ पे भी हो सकता है वहाँ पे आप लगवा सकते हो। आगे जहाँ पे मतलब जो डैशबोर्ड के पीछे पूरे उस पर सीट पे लगेगा ताकि इंजन नॉइज ना आए, बाहर बोनट के अंदर लगेगा आइसोलेशन के लिए ताकि इंजन नॉइज ना आए। और बोनट जब बंद करते हैं तो बहुत ऐसा लगता है खोखली चीज़ थी, जैसे कि यार क्या बंद करते हैं, तो वो चीज़ एक वो फील ना आए, वो ही सेम फील उसके डोर्स में भी आती है, तो डोर्स में भी हम डैम्पिंग करेंगे, उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। साथ के साथ आप उसको किसी दूसरी कार में भी करा सकते हैं, जैसे किसी के पास कोई और कार है वो भी आप, जैसे जैपनीज जितनी भी गाड़ी आप उनमें ज़रूर करा सकते हैं, क्योंकि जैपनीज की बिल्ड क्वालिटी इन अ मेटल नॉट टू गुड, नॉट इवन गुड। सुजुकी गाड़ी में आप करा सकते हैं, टोयोटा गाड़ी में आप करा सकते हैं, इवन दो इन रेनॉल्ट ऑल्सो, मैंने अभी किगर देखी है, उसमें इतना ज़्यादा मेरे को मज़ा नहीं आया, बहुत बाजी सी गाड़ी है, डोर्स वगैरह ऐसे ही उसके बसते हैं। मैं वीडियो आएगी अभी कुछ टाइम में, तो वो भी आप देख लेना, तो उसमें भी आप मतलब रेनॉल्ट की गाड़ियों में भी और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जिसमें भी आपको लगता हो आपके पास हो और आप वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है कि यार मेरी गाड़ी में मेरे को करानी चाहिए, तो वो आप करा सकते हो, चाहे फिर वो कोई भी गाड़ी है, चाहे साड़ी BMW है ना। फिर एक और चीज़ आती है, जिप्सी पे मैंने मतलब कस्टमाइजेशन में मैंने लेके एक मेगा स्पेसिफिक देख लेते हैं, जिप्सी ले ली मैंने, क्योंकि मेरे चैनल पे जिप्सी लवर्स बहुत ज़्यादा है, जिनके पास जिप्सी है वो बहुत ज़्यादा मेरे से कनेक्टेड है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए क्यों ना बनाई जाए। तो हाइड्रो डिपिंग बेसिकली क्या है कि जिप्सी में बहुत ही चीप बहुत वैसी फील आती है रॉ टाइप की, और रॉ ऑल्सो बट मतलब थोड़ी चीपर टाइप की फील आती है, जो उसका डैशबोर्ड है वो इतनी प्रीमियम फील नहीं देता है, इतना ग्लॉस नहीं है, और इतनी बिल्ड क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें, तो उसको आप हाइड्रो डिप करा सकते हैं। जैसे अपने डैशबोर्ड को करा लो आप, डोर हैंडल्स को करा लो, नीचे रनिंग बोर्ड की जो प्लास्टिक की लाइनिंग है जिप्सी में उनको आप करा लो, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको आप हाइड्रो डिप करा सकते हैं,
तो हाइड्रो डिप में भी बहुत सारे डिजाइन है, अगर किसी को करानी होगी तो मेरे को पर्सनली मैसेज करेगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा वो भी आपको। और बाकी बहुत अच्छी मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो एक प्रॉपर वे में हाइड्रो डिपिंग होगी और बहुत अच्छी फील आती है। ये कि हाइड्रो डिप होने के बाद ना एक अलग ही प्रीमियम फील आएगी आपको अपनी गाड़ी में, तो हाइड्रो डिप भी हो जाएगा। और ये सब चीज़ें वैसे कि तो वो है जो मैं अपनी जिप्सी में कराना चाह रहा था, बट किसी न किसी रीज़न से मैंने अभी जाने दिए कि नहीं अभी नहीं कराते हैं। बाकी एयर वेंट्स चेंज, जो उसके एयर वेंट्स है जहाँ से हवा आती है वो मैंने वो भी मेरे को मतलब वो ना ऐसे है कि कहीं भी अपने आप ही बहुत ढीले ढाले से हैं वो, तो मैंने सोचा कि चेंज होने चाहिए। तो इवन मैंने काफ़ी ज़्यादा R&D करके एक पीस मैंने ला के रख भी रखा है कि कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं, तो मैंने आपको दिखा देता हूँ। बाकी थोड़ी लेंथी होने वाली है वीडियो, बट मैं तो कहूँगा ज़रूर देखो आप पूरी वीडियो देखो। ये वाले एयर वेंट्स हैं, ये हर गाड़ी के अलग अलग होती है, हर मतलब साइज़ कहीं ना कहीं अलग अलग होता है, किसी किसी सेम ब्रांड की अगर कार है तो किसी किसी के सेम हो सकते हैं, बाकी अलग अलग होता है। तो मैंने काफ़ी सारे के डायल्स चेक किए, डायमीटर चेक किए, तो जब मेरे को अलग अलग कर करा के जब मेरे को फाइनली ये वाला जो था ये नैनो का है, बेसिकली मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सी कार का है, नैनो का है, तो ये उसमें लग सकता है, बहुत ईजिली फिट हो सकता है। बस हल्का सा क्या है कि जिसमें हो जाएगा उसका हल्का सा और थोड़ा सा जो डायल जो उसके वो है वो हल्का सा और एक्सपेंड करना पड़ेगा जो उसका स्पेस है, ताकि और भी इजीली घुस जाए। वैसे ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा 1-2 mm बस। बाकी बेसिकली जो उसका एक तो एयरवेंस है, एयरवेंस जिस चीज़ में लगे होते हैं वो भी बाहर आता है, प्लास्टिक का होता है वो ब्लैक कलर का, वो भी पूरा बाहर आएगा तब जाके अंदर जाएगा। एक और चीज़, इनको लगने के बाद जिप्सी में फिर जो उसके पाइप्स है जो इसमें लगेंगे जहाँ से हवा आती है वो भी चेंज होंगे, और उसमें बहुत अच्छा खासा झंझट है, बहुत तगड़ा वो है। वो ये है कि एक बार अभी मैंने पाइप्स पे R&D नहीं करी है, उनके लिए भी मेरे को ढूंढनी पड़ेगी वो, तो पाइप्स लगेंगे, पाइप्स चार जगह से, चार जैसे चार AC वेंट्स हैं तो चार पाइप आएंगे, वो एक जगह आके एक हब में लगेंगे, वो हब इसके जो फैन ब्लोअर है उसमें जाके लगेगा, तो वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा नया बनेगा, तभी ये यूटिलाइज हो पाएंगे, तभी ये वर्कआउट होंगे, नहीं तो ये जस्ट फॉर शोपीस रह जाएंगे। अगर इनमें पीछे पाइप नहीं लगेगा तो जस्ट ऐसे शो के लिए रह जाएंगे, बाकी अगर आपको ये यूटिलाइज करने तो पीछे पूरा पाइप वगैरह हब लग के तभी ये यूटिलाइज हो पाएंगे। तो वो चीज़ भी है, क्योंकि इनका जो ये डाया है ये बहुत ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में, जो अपने पास है उनके कंपैरिजन में इसका डाया ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से वो लगेंगे जो भी है बाकी। और म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई सी भी तरीके का म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल कराना है वो हो जाएगा। हेड यूनिट स्टीरियो आप इंस्टॉल करा लो, चाहे एंड्रॉयड हो या कोई भी XYZ, वो इंस्टॉल हो जाएगा। स्पीकर्स वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे, मेरे पास पर्सनली अपने एक स्पीकर्स पड़े हैं, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में, वो मैंने अपनी जिप्सी में लगा रखी, कई गाड़ियों में मैंने और अपनी वर्कशॉप पे कई गाड़ियों में और फिट करे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही डिसेंट रिस्पॉन्स है। आप वो इंस्टॉल करो, और उनके साथ साथ अगर आप अंडर सीट बेस रख लो या एक बेस ट्यूब रख लो 8 इंची की भी बहुत है, या बेस बीम रख लो, तो इतना अच्छा रिस्पांस आएगा, बहुत ही अच्छा। तो स्पीकर्स अपने पास हैं बहुत अच्छे खासे, तो वो भी आप लगवा सकते हो। और डोर पैनल्स, तो डोर पैनल्स पे आप लेदर रैप करा सकते हो पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इसके जिप्सी के जो गत्ते होते हैं ना, डोर पैनल्स के जो गत्ते होते हैं अंदर की तरफ, वो फूल जाते हैं पता नहीं कैसे, मेरी जिप्सी के भी फूले हुए हैं, तो उनको फिर या तो उन पर नए लगवाओ या उनको वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, या हो भी जाते हैं उनका अलग अलग थोड़ा सा वो है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, मैं वो फिर से वही हो जाएंगे ऐसा सीन्स है। तो उनको आप, मेरे पास एक और मटेरियल है जो उन उस गत्ते की जगह कट के और दूसरा वो लग जाएगा, उसमें कोई ऐसा फूलने फालने का कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा मटीरियल है, तो वो आप पूरा प्रॉपर एक डोर पैनल भी चेंज करा सकते हो उस पर, फिर आप लेदर रेप कराओ या उसको ऐसे भी छोड़ दोगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सीन्स है डोर पैनल्स के। फिर आ गया इंटीरियर का, जो रियर व्यू नाइट विजन, जो रियर व्यू मिरर होता है अंदर का,
वो अपनी जिप्सी में क्या है कि नाइट विजन के साथ नहीं है, ऑटो डिम ऑटो नहीं मतलब मैनुअल डिमिंग भी नहीं है उसमें, जो कि अपन नाइट विजन में करके और रात को भी उसको इस्तेमाल कर सके, वो चीज़ नहीं है उसमें, तो वो भी चेंज हो जाएगा। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, जस्ट वो हटेगा और उसकी जगह दूसरा लग जाएगा। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी गाड़ी का लगेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, सिलेरियो का लगेगा और सिलेरियो में ऑटो डिम नाइट विजन आता है, सॉरी ऑटो डिमिंग कह रहा हूँ, नाइट विजन आता है, तो वो आप मैनुअली वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आप करा सकते हैं अपने। आर्मरेस्ट हो गया, आर्मरेस्ट इंस्टॉल हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छा खासा है, आर्मरेस्ट खलता है, नहीं होता है ना गाड़ी में तो खलती है चीज़ें, आर्मरेस्ट करा सकते हो। सेंटर कंसोल है वो आप करा सकते हो, क्योंकि जो जिप्सी में जहाँ पे सेंटर कंसोल है डैशबोर्ड के नीचे और गियर नॉब के आगे के जो स्पेस है वो सारी की सारी खाली है और बहुत खाली खाली सी अजीब ही लगती है, तो वहाँ पे सेंटर कंसोल मैंने खुद ने डिज़ाइन करा है, बस हालांकि एक सैंपल बनाना रह चुका है, उसके डाईकास्ट वगैरह मेरे पास पड़े हैं, सैंपल बनाना रह चुका है, एक बार सैंपल भी बन जाएगा तो ये एक प्रॉपर आपको दिखाने के लिए हो जाएगा, फिर कोई भी अगर बनवाना चाहे तो बन जाएगा। और एटमोसफेयर एम्बियंट लाइटिंग हो गई, एटमोसफेयर की लाइट्स हो गई, वो आप इंस्टॉल करा सकते हैं, मैंने खुद अपनी जिप्सी में कर रखी, थोड़ा सा हटके थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे जाके इंस्टॉल करी हुई है, आपको वीडियो मिल जाएगी आई सेक्शन में, वो आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें क्या है कि वो मैंने नीचे लेग रूम में तो करी है, बट मैंने एक जगह और करी है, वो अपना इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पीडोमीटर, उसमें मैंने इसलिए की है क्योंकि उसकी जो उसमें लाइट आती है लगी हुई, उनकी इतनी ज़्यादा बीम नहीं, इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है, रात को इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं हो पाती है स्पीड देखने के लिए या फ्यूल देखने के लिए, फ्यूल गेज देखने के लिए या हीट टेम्परेचर गेज देखने के लिए, तो इसलिए मैंने उसमें भी इंस्टॉल करी है और अपने हिसाब से अलग अलग करके करी है, वो अपना थोड़ा टेक्निक है वो, हालांकि मैंने डिटेल्ड में वीडियो बनाई है तो कोई नॉट एन बिग इशू, आई सेक्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और उनका जो मैंने कनेक्शन कर रखा है, कोई मैं वायर कट वगैरह कहीं से नहीं करता हूँ गाड़ी का, सबसे मेन चीज़ मैंने यही है कि मैं गाड़ी की जो जेन्युइनिटी है वो उसको मैं हाथ नहीं लगाता, और मेन चीज़ वायरिंग में, जहाँ मैंने ये चीज़ पर्सनली ऑब्जर्वेशन के साथ कह रहा हूँ, जहाँ जिस भी गाड़ी की अगर वायरिंग छिड़ गई ना, वायरिंग पे ऐसे कट लग गया तो लगा लो कि वो गाड़ी फिर मज़ा नहीं रहता उस गाड़ी में, लॉन्ग टाइम के लिए वो मज़ेदार नहीं रहती, ड्यूरेबिलिटी उसकी फिर कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कतें देने लग जाती है, तो मैं खुद पर्सनल लेवल पे मैं वो ना नहीं छेड़ता हूँ इतना ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ वायरिंग वगैरह, तो इसलिए जो इसका वो है जो वो है वो मैंने पार्किंग लाइट पे कनेक्शन करता हूँ, वो मेरे पर अपने हुए वायर नहीं कट होगा उसकी गारंटी मैं देता हूँ। बाकी पार्किंग लाइट पे जैसे ही मतलब आप पार्किंग लाइट ऑन करोगे या सीधे हेडलैम्प्स ऑन करोगे तो आपकी अंदर की एम्बियंट लाइटिंग भी ऑन हो जाएगी, तो ए सी हो गए, ये तो हो गए इसके। एसी इंस्टॉल, मैंने एसी इंस्टॉलेशन की भी वीडियो बना रखी है, आई सेक्शन में आपको मिल जाएगी अपनी जिप्सी में, तो एसी इंस्टॉल भी हो जाएगा, अगर आपको एसी इंस्टॉल कराना है तो वो भी हो जाएगा। इनकी कॉस्टिंग वगैरह मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, और तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज करके और जो भी आपको कराना है एक्स वाई जेड उसकी मैं आपको पर्सनल एस्टिमेट बता दूंगा मेरे को मैसेज करके। बाकी एसी इंस्टॉल भी हो जाएगा, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आई सेक्शन में मैं वो भी डाल दूंगा, डिटेल्ड में बना रखी आधे घंटे की वीडियो है, पूरी 30 मिनट की वीडियो है। जिप्सी स्टीयरिंग व्हील चेंज, तो जिप्सी का जो स्टीयरिंग व्हील है ना, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया यूज करते हुए, एक मज़ा नहीं आता उसमें मतलब स्टीयरिंग व्हील में, तो वो भी आप चेंज करा सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो स्टीयरिंग है आज के टाइम पे मेरे लिए स्टीयरिंग व्हील है वो स्विफ्ट का है, स्पोर्टी फील आती है, बहुत ही प्यारा स्टीयरिंग है, तो आप उसमें इंस्टॉल कराओगे ना आपकी एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाएगा जिप्सी को लेकर, मज़ेदार। ये मैं अपने में कराने वाला था अपनी जिप्सी में, बट किसी न किसी रीज़न से जस्ट जाने छोड़ तो अभी कराऊंगा इन फ्यूचर में कि ज़रूर कभी ना कभी, बट आपकी वीडियो आएगी उसकी भी, बट अभी नहीं। कैमरा इंस्टॉल, हाँ अगर किसी कोई दूसरा भाई अगर आता है इंस्टॉल कराने तो उसकी वीडियो में इससे पहले आ जाएगी मेरी जिप्सी से पहले। कैमरा इंस्टॉल आप करा सकते हैं, कैमरा आप
कैमरा का क्या है कि आप कैमरा इंस्टॉल करा सकते हैं पीछे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, जैसे कि मैं खुद पर्सनल ड्राइव करता हूँ, उसके बेसिस पे अगर आप स्क्रीन लगवाना चाहे स्क्रीन लगवा सकते हैं, आप डुअल डिन इंस्टॉल करा दें तो उसमें भी कनेक्शन, मतलब वो सब कुछ हो जाएगा। बाकी स्पेयर व्हील स्टॉप लाइट, ये अपनी जिप्सी में, ब्लेरो में, थार में और एक स्पोर्ट में, इन सब में लग सकती है, जिसमें भी जो स्पेयर व्हील है वो पीछे टेल गेट पे लगा हुआ है उनमें इंस्टॉल होगी। स्पेयर व्हील के अंदर की साइड ये लगती है और आपके अलॉय व्हील के अंदर ये चलेगी, जब भी आप ब्रेक मारोगे तो वो चीज़ है बहुत ही सेक्सी लगती है पीछे, जब मतलब आप ब्रेक मारोगे लाइट जब जलती है ना उस स्पेयर व्हील के अंदर, बोलते बोलते मैं थक गया, मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, पहले 18 मिनट की बनाई बट उसमें वॉइस माइक ऑन नहीं था, जवान भी थक गई, तो उसमें आप ये इंस्टॉल करा सकते हो, बहुत सेक्सी लगती है। स्पेयर व्हील जो होता है अलॉय व्हील के अंदर जब लाइट जलती है बहुत सेक्सी लगती है। बाकी आप बार लाइट इंस्टॉल करा सकते हो, बार लाइट जो होती है आगे छोटी वाली या बड़ी वाली जो भी एक्स वाई से, वो भी इंस्टॉल हो जाएंगी। बहुत मैंने अपनी जिप्सी में कर रखी थी, अभी जब पेंट कराया था तब मैंने हटा दी थी, वो फिर दोबारा फिर करेंगी। हैंड ब्रेक अलार्म, ये बहुत मेन चीज़ है, ये बेसिकली मैंने इसलिए मेंशन किया है, जिप्सी में कोई हैंड ब्रेक की इंडिकेशन लाइट नहीं है, कोई अलार्म नहीं है, और मैं बहुत सी बार भूल जाता हूँ, जैसे चलता हूँ ड्राइव करना तो भूल जाता हूँ हैंड ब्रेक डाउन करना, और जिप्सी ऐसी है कि हैंड ब्रेक खींचे में भी चल देती है, एक तो लोड वाली फील नहीं आती और वो चल देती है और फिर काम खराब हो जाता है। तो हैंड ब्रेक अलार्म भी आप इंस्टॉल करा सकते हो, जैसे अगर आपका हैंड ब्रेक खींचा रहेगा तो टू 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 अलार्म बजता रहेगा। बाकी इंक्लिनोमीटर, ये ऑफ रोडिंग कार्स में ज़्यादा यूज़ होता है, मिस्टीबीसी पजेरो में इफेक्टिव फिटेड आता था। बाकी बहुत मज़ेदार चीज़ है, मेरे को बहुत मज़ेदार लगती है इंक्लिनोमीटर, ये आप सर्च करोगे गूगल पे तो, अगर किसी को अधिकतर लोगों को शायद ना पता हो बट आप गूगल पे सर्च करोगे तो पता चल जाएगी इंक्लिनोमीटर, ये मिस्टीबीसी पजेरो में इफेक्टिव फिटेड आता था। अगर अब उस हिसाब से मेरे को लगता है कि जिसने भी मिस्टीबीसी पजेरो में जो जिसने भी एक्सपीरियंस करी है वो समझ गया होगा, और ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ होता है बेसिकली, मतलब हर चीज़ के लिए यूज़ होता है, मज़ेदार है चीज़। आरपीएम मीटर हो गया, आरपीएम मीटर अपनी जिप्सी में नहीं आता है तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, वो भी आप इंस्टॉल करा सकते हो। रबर सील हो गई, ये बहुत ज़रूरी है ऑफ रोडिंग कार्स के लिए, जैसे जिप्सी हो गई, ब्लर हो गई, थार हो गई, जो भी इसको यूज़ करता है बहुत रफली यूज़ करते हैं, पानी वानी में कहीं भी कीचड़ वीचड़ में ऐसी चली जाती है, और जो जिप्सी की जो मेटल का जो मटेरियल है, जो बिल्ड क्वालिटी, वो बहुत मतलब ऐसी है कि अधिकतर जिसके भी पास जिप्सी है वो देख सकता है कि कहीं ना कहीं रस्टिंग पकड़ती है गाड़ी, तो आप उसके लिए अंडर बॉडी पूरे में आप रबड़ सील करा सकते हैं, तो उससे क्या है कि आपकी रबड़ सील आप कराओगे तो आपकी गाड़ी रस्ट फ्री रहेगी, रस्ट को रजिस्ट करेगी, रस्ट नहीं लगेगा, लॉन्ग ड्यूरेबलिटी होगी। और इसी के साथ साथ इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है फाइबर शीट, जो अपनी फेंडर लाइनिंग होती है टायर के ऊपर की जो जगह रहती है वो भी, मतलब वो ये कि जो ऑफ रोडिंग वाले मतलब जो इनके पास ये रफ एंड टफ कार है, जैसे जिप्सी हो गई, ब्लेरो, थार, ये सब, ये कहीं भी मिट्टी फिट्टी में कहीं भी मतलब घुस जाती है यार, बंदा सोचता नहीं है और हर गाड़ी कोई कहीं भी घुसा देता है, तो बेसिकली उसके लिए क्योंकि उसमें कोई फेंडर लाइनिंग प्लास्टिक की नहीं है, जस्ट वो पूरा बॉडी का ही मेटल है, और वो उसमें जब नॉन स्टॉप मिट्टी लगती है, पानी लगता है उसमें बैठता है तो फिर रस्टिंग होने लगती है, और मैंने अधिकतर देखी है वहाँ से गली हुई रहती है, तो उसके लिए फाइबर शीट लग जाती है फेंडर लाइनिंग में, पता नहीं चलेगी, मैंने अपनी जिप्सी में लगा भी रखी, मैं आपको दिखा दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा इसमें भी, तो वो बहुत मतलब बहुत अच्छी लग, अच्छी तो मतलब अच्छी तो पता ही नहीं चलता है कि लग रखी है या नहीं लग रखी है, बट बहुत यूटिलाइजिंग है और बहुत आपकी गाड़ी में लॉन्ग ड्यूरेबलिटी के लिए, मतलब पूरी की जो मिट्टी और पानी वगैरह है वो फाइबर शीट पे लगती है, बॉडी पे जाके नहीं लगती है, बॉडी प्रोटेक्ट रहती है वहाँ पे, अपने रबड़ सील करा के एक बार आप लगवा लो तो आपकी ये कि रस्ट फ्री रहेगी गाड़ी, कहीं से कभी रस्ट नहीं पकड़ेगी कुछ नहीं, क्योंकि जब वो जब बॉडी जो मेटल है वो पानी के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, मिट्टी के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, तो प्रोटेक्ट रहेगा वो, तो ये चीज़ है। ये आप जिप्सी, ब्लेरो, थार के सिवा मैं एक हाईली रिकमेंड करूँगा, बाकी मैं महिंद्रा की सारी गाड़ी में खुद हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद ये देखा है कि महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना
बॉडी शॉप में अधिकतर रस्टिंग की कंप्लेंट सही आती है कि जो महिंद्रा की जो जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रस्ट पकड़ती है। किसी किसी की होगी जो जैसे अंदर खड़ी होती है जिनकी इंजन पकड़ती नहीं, तो अधिकतर मैंने बॉडी शॉप में ये कंप्लेंट देखी है कि रस्टिंग से। तो बाकी आपकी चाहे कोई भी महिंद्रा की कार है उसमें मैं तो ये कहूँगा कि हाईली रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप खुद फाइबर शीट वगैरह लगवाओ ताकि आपकी गाड़ी रस्ट फ्री रहे। तो इवन और भी किसी में जो अपनी फेंडर लाइनिंग से परेशान है, जैसे फेंडर लाइनिंग प्लास्टिक की आती है बहुत जल्दी टूट जाती है, तो उसमें भी आप ये फाइबर शीट लगवा सकते हो। हालांकि फिटिंग ऐसी होगी मेरी तरफ से कि आपको पता नहीं चलेगी कि फाइबर शीट लगी है या क्या है, जो भी है एक्स वाई जेड पता नहीं चलेगी बिल्कुल, बहुत एक नंबर की। मैं आपको खुद अपनी जिप्सी में दिखाऊंगा, आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें उसमें क्या कहते हैं जो लग रखी है कि नहीं लग रखी, कुछ पता नहीं चलता। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे और मेरे को फॉलो कर सकते हैं जाके। और अगर आपको कहीं भी मेरे को कॉन्टैक्ट करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पे आप जाकर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन भी दबाते हैं। टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चिन विद यू फॉर यू ऑलवेज। बाय बाय।